Today, we are going to discuss in this webinar the female literacy rate in India. Female literacy in India. Hindustan mein, Bharat mein, mahila ka kya saksharta dar hai? Uski vartaman mein sthiti kya hai mahila ki saksharta dar ki? Aur kaun kaun si sarkari sevaen hain jo unko prapt hoti hain, jinki wajah se wo aage badh rahe hain? Aur future mein, bhavishya mein, hum kya umeed kar sakte hain ki wo aur kitna unka saksharta dar aur kitna aage badhega? जैसे कि इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि हर साल में अलग अलग पांच पांच वर्ष के गैप पे, जैसे कि 1987 और 88 में हम देख रहे हैं जो मेल लिटरेसी रेट है, जो पुरुष साक्षरता दर है, वो महिलाओं से ज्यादा है। ऐसे ही हम हर साल में, हर पांच पांच साल के गैप में देख रहे हैं। जैसे कि आज की अगर करंट बात करें, वर्तमान स्थिति की बात करें 2017-18 में, तो पुरुष का जो साक्षरता दर है यानी मेल लिटरेसी रेट है, वो आज भी फीमेल से ज्यादा है। लेकिन इसी ग्राफ में हम एक चीज और देखते हैं कि कहीं ना कहीं जहां पे 1987-88 में महिला का साक्षरता दर पुरुष से बिल्कुल आधा था, जस्ट हाफ ऑफ द मेल लिटरेसी रेट, अब हल्के हल्के जैसे ही वर्ष वर्ष बढ़ता जा रहा है और जैसे ही सरकार की सेवाएं औरतों को, महिलाओं को मिलती जा रही हैं, वैसे ही उनका साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है। तो जैसे कि अगर हम 1987-88 का देखें और आज का देखें 2017-18 का, तो महिला साक्षरता दर यानी फीमेल लिटरेसी रेट कहीं ना कहीं पुरुष के बराबर आ चुका है, कुछ हद तक उनके बराबरी में आ चुका है। पहले जहां था कि पिछले, इसमें हम ये देख रहे हैं कि पिछले 30 साल में जो महिला साक्षरता दर था, फीमेल लिटरेसी रेट था, और अब जो है, अब इन 30 साल बाद जो है, उसमें काफी बदलाव आया है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि जो इंडिया में, हिंदुस्तान में महिला साक्षरता दर है यानी फीमेल लिटरेसी रेट है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। क्योंकि अगर अभी भी हम दुनिया की और कंट्रीज से कंपेयर करें, बराबरी करें, या और जो दूसरी कंट्रीज है, अगर हम लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज को ही ले लें, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, तो आज भी हिंदुस्तान का जो लिटरेसी, महिला का लिटरेसी रेट है यानी महिला का जो साक्षरता दर है, वो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत कम है। इस स्लाइड में हम ये बताएंगे कि क्या क्या कारण है, कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से महिला पढ़ने नहीं जाती हैं या उनका स्कूल में एनरोलमेंट नहीं हो पाता है। तो जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि लोअर नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन मेनी रूरल एरियाज, जो गांव में जो स्कूल होते हैं उसमें महिला टीचर्स होती हैं वो बहुत कम हैं। उनकी वजह से जो गांव के लोग होते हैं, जो रूरल एरिया में जो फैमिलीज रहती हैं, वो अपनी बेटियों को कॉलेज या स्कूल कम भेजना चाहते हैं, क्योंकि उस कॉलेज में या उस स्कूल में कोई महिला टीचर नहीं होती है। तो एक ये कारण है जिसकी वजह से आजकल जो महिला के, जो लड़कियों के ड्रॉप आउट हो रहे हैं स्कूल से, जो स्कूल वो नहीं जा रही, इसका एक ये कारण है। दूसरा ये है, स्कूलों में सैनिटाइजेशन और हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता है, जिनकी वजह से कुछ ऐसी महिलाएं हैं, जैसे कि जो जो किशोरावस्था में महिलाएं होती हैं, जिनको किशोरा जिनको क्या कहते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, और ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिनकी जिस टाइम में उनको सैनिटाइजेशन और हाइजीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए वो स्कूल जाना पसंद नहीं करती हैं। दूसरा ये होगा, दूसरा कारण इसमें ये दिखाया गया है कि अगर लड़की, जो कोई लड़की है, कोई किशोरावस्था की लड़की है या कोई छोटी बच्ची है, अगर वो अपने घर की सबसे बड़ी बेटी है, तो उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियों का भार बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके घर वाले, उसके माँ बाप उसको घर की जिम्मेदारियों को निभाना के लिए कहते हैं और उसको स्कूल भेजना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा ये है कि घर वालों की सोच कुछ इस प्रकार होती है, जैसे कि वो ये सोचते हैं कि लड़की पढ़ के आगे करेगी क्या, लड़का है उसे पढ़ाओ, वो पढ़ेगा, कमाएगा और फिर शादी करके लड़की लाएगा, वो घर को चलाएगा, लड़की आगे पढ़ के करेगी क्या, उसे तो घर गृहस्थी ही संभालनी है। ये जो लोगों की सोच है, ये जो माइंडसेट है, इस वजह से भी लड़कियां स्कूल में कम दाखिला लेती हैं। दूसरा इसमें ये है, अर्ली मैरिज यानी एक उम्र से पहले, 18 साल की उम्र सरकार ने बनाई है जिससे पहले शादी नहीं होनी चाहिए महिलाओं की, लड़कियों की। लेकिन उससे पहले कई, हमने देखा है कई फैमिली जो स्पेशली रूरल एरियाज में होती है, गांव के एरियाज में होती है, वो लोग पहले अपनी बच्चियों की शादी प्रेफर करते हैं, इसलिए कई बच्चियों को कॉलेज छोड़ना, स्कूल छोड़ना पड़ जाता है।
अगला रीजन है गरीबी। कुछ रूरल एरिया के लोग इतने गरीब होते हैं कि वो अपने बच्चों की कॉलेज की फीस बहुत कम फीस भी नहीं दे पाते हैं, तो इस वजह से भी उनको अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने भेज नहीं पाते हैं। दूसरा ये है प्रेफरेंस प्रायोरिटी गिवन टू सन्स, मतलब कुछ घर के लोगों में घरों में लड़के जो होते हैं वो लड़कों को ज्यादा प्रायोरिटी ज्यादा महत्व देते हैं कि वो ज्यादा पढ़े, वो ज्यादा पढ़ पढ़ के आगे बढ़े, लड़कियां पढ़ लिख के करेंगी क्या, तो वो लड़कों को ज्यादा लड़कियों से ऊपर मानते हैं। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये योजना सरकार ने 2015 में लागू की थी। इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंदर बेटी का, बेटी की पढ़ाई, बेटी की सुरक्षा और बेटी का सर्वाइवल आता है। मतलब बेटी को दहेज प्रथा से बचाना, बेटी भ्रूण हत्या से बचाना और बेटी की एजुकेशन करना यानी उसको शिक्षा प्रदान करना, इसमें जो इसका उद्देश्य है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, इसका उद्देश्य ये है। और दूसरा इसका उद्देश्य ये है कि लोगों का जो माइंडसेट है यानी लोगों की जो सोच है बेटियों के बारे में कि बेटी पढ़ के करेंगी क्या, उस सोच को बदलना। इसके अंतर्गत काफी कैंपेन भी चलाए गए थे जिसमें जागरूकता दी जाती है लड़कियों को और उनकी माओं को, औरतों को और लड़कियों को कि पढ़ाई क्यों जरूरी है, तो इसके अंतर्गत ये काम होता है। तो कुछ कुछ सर्वे अभी रिसेंटली हुए हैं जो कि न्यूज में भी आए थे, उन सर्वे में ये बताया गया है कि बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ये है कि इन्होंने 622 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया था 2014-15 में, और 622 में से अभी 400 से ज्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो 2017-18 में वो रिपोर्ट आई कि 400 से ज्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें दहेज प्रथा और भ्रूण हत्या के केसेस बहुत कम पाए गए हैं। वो इस सेवा के अंतर्गत में आता है, इस सेवा के एक ये सफलतापूर्वक कार्य कहेंगे हम। अगला है बालिका समृद्धि योजना। बालिका समृद्धि योजना का उद्देश्य है उन लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन लड़कियों का स्कूल में, सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट यानी एडमिशन कराना, उन लड़कियों को हर क्लास में कुछ कुछ पैसे देके उनकी आर्थिक तरह से मदद करना। जैसे कि ये बच्चियां जब फर्स्ट से थर्ड क्लास में होती हैं, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड क्लास में, तो उनको 300 रुपए सालाना मिलते हैं ताकि कुछ हद तक इनकी सरकार मदद कर सके। ऐसी जब चौथी क्लास में, पांचवी क्लास में आती हैं तो इनको और थोड़े ज्यादा पैसे मिलते हैं, जैसे 500 रुपए, 600 रुपए, ऐसी हल्के हल्के करके इनके हर क्लास में पैसों में वृद्धि होती है। और जब ये 10वीं 11वीं और 12वीं में आते हैं तो इनको 1000 रुपए सालाना मिलते हैं ताकि इनकी कुछ हद तक इनकी फीस में इनको छूट मिल सके, कुछ हद तक इनके आर्थिक तौर पे इनकी मदद हो सके। तो सरकार ने बालिका समृद्धि योजना इसी कारण रूप बनाई। दूसरा है सीबीएसई स्कॉलरशिप। सीबीएसई ने जो स्कॉलरशिप निकाली थी वो जो बच्चों के जो महिला बच्चियों की पढ़ाई के लिए निकाली थी, उसमें उन्होंने कहा था कि वो हर गरीब घर में एक बच्ची की पढ़ाई का पूरा पैसा देंगे। मगर ऐसा नहीं है कि अगर किसी घर में तीन चार बच्चियां हैं तो उस घर में सिर्फ वो एक बच्ची की पढ़ाई का पैसा देंगे, और इसमें वो ये इस प्रकार करेंगे कि जो उस बच्ची की मंथली यानी एक मंथ की फीस होगी उसकी वो छूट कर देंगे। मगर इसका बस एक ये क्राइटेरिया बनाया था कि हम अगर किसी घर में चार पांच बेटे हैं तो बस एक बेटी पे उनका मेन फोकस रहेगा, वो एक बेटी की आर्थिक रूप से सहायता करेंगे। सीबीएसई स्कॉलरशिप में ये भी आता है कि अगर सीबीएसई स्कॉलरशिप के अंतर्गत अगर किसी बच्ची की 10th में 60 से ऊपर परसेंटेज है तो 11th 12th में उसको सरकार 11th 12th में काफी अच्छे पैसे प्रदान करेगी जिसकी वजह से वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकेगा या कर सकेगी। अगली हमारी स्लाइड है कि हर प्रदेश में, हिंदुस्तान के, भारत के हर प्रदेश में फीमेल लिटरेसी रेट यानी महिला साक्षरता दर किस किस प्रकार बढ़ा है, कम हुआ है या कैसा है। जैसे कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं सबसे ज्यादा कम अगर महिला साक्षरता दर है तो वो है तेलंगाना में, उससे ऊपर थोड़ा बिहार है, उससे ऊपर जम्मू कश्मीर, और हम देख सकते हैं कि इसमें क्या कहते हैं सबसे कम है बिहार और तेलंगाना, और सबसे ज्यादा है केरला और लक्षद्वीप। यानी हम ये कह सकते हैं कि
जो अगर हम केरला और लक्षद्वीप से तेलंगाना और बिहार को कंपेयर करें, यानी जो बिहार तेलंगाना में जो महिला का साक्षरता दर है वो बहुत ज्यादा कम परसेंटेज में, यानी बहुत ज्यादा कम है। मतलब वहां पे बिहार और तेलंगाना में अभी भी सरकार को कुछ ऐसी स्कीम्स बनाने बाकी हैं या ऐसी स्कीम्स बनानी है जिसकी वजह से उनका भी फीमेल लिटरेसी रेट केरला, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ इन इन प्रदेशों के बराबर आ सके। फिर हम अगली बात करेंगे कि इन चार प्रदेशों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और कर्नाटका में, कौन कौन सी स्कीम सरकार द्वारा बनाई गई हैं और उनकी वजह से क्या क्या फायदे हुए हैं, क्या क्या लाभ हुए हैं महिलाओं को। तो पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान में जो राजश्री योजना है, इसमें बेटी की देखभाल के लिए, बेटी की देखभाल में सब कुछ आता है, बेटी का टीकाकरण, बेटी के पैदा होने पे पैसा देना और बेटी की पढ़ाई यानी एडमिशन की फीस देना। उन सब में सरकार ने एक बच्ची के, एक लड़की के जब पैदा होती है और उसका उसका रजिस्ट्रेशन होता है तो सरकार उसे 50,000 रुपए देती है। उस 50,000 रुपए में जब वो बच्ची पैदा होगी, उस जब पैदा हो गई होगी, जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उस दौरान उसे 2,500 रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद जब उसका टीकाकरण होता है तो 2,500 और दिए जाते हैं, और उसके बाद जब उसका एडमिशन होता है, जब स्कूल में दाखिला होता है, तो 4,000 दिए जाते हैं। ऐसे करके जब वो अपनी एक एक क्लास ऊपर ऊपर बढ़ती रहती है तो उसको कुछ कुछ उसकी जो जो उसकी रकम है वो बढ़ा दी जाती है। ऐसे करके सरकार राजश्री योजना के अंतर्गत जो भी बच्चियां आती हैं उनकी मदद करती है। एक सर्वे हुआ है राजस्थान में जिसमें यह पता किया गया है कि अभी तक 15 लाख ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने राजश्री योजना से लाभ लिया है। दूसरा अब हमारा आता है लाडली लक्ष्मी योजना जो कि मध्य प्रदेश में लागू है। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना जो मेन इसका उद्देश्य है वो है बच्चियों की हेल्थ यानी उनके स्वास्थ्य और उनकी पढ़ाई पे फोकस करना। इसमें ये कहा है जो बच्ची पांचवी कक्षा तक पूरा करके छठी कक्षा में आएगी उसको सरकार द्वारा 2,000 रुपए मिलेंगे। उसके बाद नवी कक्षा में आएगी तो उसे 4,000, ऐसी जब 12वीं और 11वीं और 12वीं कक्षा में आएगी तो सरकार उसे 6,000 रुपए देंगे। और ऐसे ही जब वो अपनी 12वीं पूरी करके आगे आगे पढ़ाई करेगी, बैचलर्स या कॉलेज लाइफ में जाएगी या कॉलेज की पढ़ाई करेगी, तब सरकार उसे 1 लाख रुपए सालाना देके उसकी आर्थिक तौर से मदद करेगी। अगला है इसमें मुख्यमंत्री लाडली योजना जो कि उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है। इसमें इसमें जब कोई बच्ची पैदा होती है तो 50,000 का बॉन्ड बनाया जाता है सरकार द्वारा उस बच्ची के नाम पे। उस 50,000 के बॉन्ड में उस बच्ची को हर हर जैसे जैसे वो अपनी उम्र ऊपर ऊपर बढ़ती जाती है, जैसे वो छोटे से जब 2 साल की होती है, 3 साल की होती है, तो हर साल में उसे कुछ कुछ रकम मिलती है। ऐसे ही जब वो स्कूल में जाती है तो उसे कुछ रकम मिलती है, जैसे कि वो फर्स्ट क्लास में गई तो उसे 300 रुपए मिलते हैं सालाना। ऐसे जब वो फिफ्थ क्लास में गई तो 1,000 मिलता है। ऐसे जब वो क्या कहते हैं 8th क्लास में गई तो उसको 1,500 रुपए मिलते हैं। ऐसे करके 11वीं 12वीं में जब वो आती है तो उसे 4,000 रुपए सालाना मिलते हैं। इस मुख्यमंत्री लाडली योजना का उद्देश्य ये भी है कि जो भी बच्चियां इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड होंगी उन्हें सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा। अगला है इसमें हमारा भाग्य लक्ष्मी स्कीम जो कि कर्नाटका में लागू हुई है। इसमें भाग्य लक्ष्मी स्कीम में जो जितने भी रूरल एरियाज के परिवार हैं, जितने भी गरीब घर हैं, जितने भी गांव के घर वाले घर घर हैं जिन लोगों के, उसमें हर घर में दो लड़कियों की पढ़ाई फ्री करने का जिम्मेदारी उठाई है सरकार ने कि अगर उस घर में 4-5 बेटियां हैं तो किन्हीं किन्हीं 2 बेटियों की पढ़ाई सरकार बिल्कुल फ्री कराएगी, उनका टीकाकरण बिल्कुल मुफ्त कराएगी। और इस स्कीम में यह है अगर इस स्कीम का पूर्ण लाभ उठाना है तो एक उस बच्ची को 8वीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी, उसके बाद ही उसको उसका पूर्ण फायदा मिल पाएगा, उसका पूर्ण लाभ मिल पाएगा। मगर इसमें किंतु एक ये शर्त होती है कि उसको 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करनी ही है, दूसरा ये 18 वर्ष से पहले वो शादी नहीं कर सकती, उसकी शादी उसके घर वाले ना कराएं। अगला हमारा है, हमने ये देखा है, हमने ये चार ग्राफ्स बनाए और उसमें हमने ये देखा है कि 30 साल पहले और उनके बीच में जो और साल है गैप गैप पे, और अभी 17-18 साल में मेल और फीमेल लिटरेसी रेट हर एज ग्रुप में किस प्रकार बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं पहले ग्राफ में 6 से 14 साल की जो
छह से 14 साल के जो बच्चे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जो ऑरेंज लाइन है वो है मेल की और जो ब्लू लाइन है वो है फीमेल की। तो जैसे कि हम 6 से 14 साल के बच्चों में देख रहे हैं कि पहले 6 से 14 साल के बच्चों में मेल फीमेल में पुरुष महिला में एक गैप था, लेकिन हल्के हल्के वो गैप कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है। यानी हम इस ग्राफ से ये कह सकते हैं जो आज के टाइम के 2017-18 के टाइम के 6 से 14 साल के बच्चे हैं, लड़का या लड़की, आजकल जो लड़कियां हैं 6 से 14 साल की, वो कहीं ना कहीं लड़कों के बराबर आ चुकी हैं। फीमेल लिटरेसी रेट पे कहीं ना कहीं महिला लड़की लड़कियां लड़कों के बराबर आ चुकी हैं। वहीं हम जब दूसरा ग्राफ देखते हैं 15 से 24 साल का, 15 to 24 years का, उसमें हम ये देखते हैं कि पहले जो मेल और फीमेल में गैप था, पुरुष और लड़कों और लड़कियों में, पुरुष और महिला में जो गैप था वो 6 और 14 साल से ज्यादा था, और वो अब हल्के हल्के कम हो रहा है। फिर भी वो उस तरीके से कम नहीं हो पाया, उस तरीके से महिला का लिटरेसी रेट उस तरीके से नहीं बढ़ा है कि मेल के बराबरी या थोड़ा आसपास आ पाए, फिर भी थोड़ा कम है अगर हम 6 से 14 साल के बच्चों से उसका कंपैरिजन करें तो। है तो अभी उस 15 से 14 में 24 में भी कहीं ना कहीं महिला जो लिटरेसी रेट है, महिला साक्षरता दर है, वो कहीं ना कहीं पुरुष के बराबर ही है, किंतु अगर हम 6 से 14 में उसकी बराबरी करें तो वो अभी कहीं ना कहीं वो अभी भी उसमें पीछे है। जब हम 25 से 64 ईयर्स का मेल और फीमेल लिटरेसी रेट देखते हैं और 65 ईयर्स अबव का भी देखते हैं, तो हम उसमें देखते हैं उसमें काफी ज्यादा गैप है। उसमें महिला पुरुष के जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है, उसमें काफी ज्यादा फर्क है, काफी ज्यादा गैप है। वो इसलिए क्योंकि पहले 87-88 में जो ये महिला और पुरुष हैं, उस टाइम में उनको उस तरीके से शिक्षा नहीं मिल पाई, उस टाइम में उतनी सरकारी सेवाएं नहीं मिल पाई उन्हें, या वो उतनी सरकारियों का सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाए कि वो पढ़ पाते या आगे बढ़ पाते। इसी वजह से इन लोग का ग्राफ इतना इतना इन लोग के ग्राफ में इतना फर्क आ रहा है, क्योंकि वो उस टाइम नहीं पढ़ पाए तो उन्होंने आगे चल के भी अपनी पढ़ाई नहीं करी, और इस वजह से अभी भी वो लोग इतने शिक्षित नहीं है जितने 6 से 14 साल के बच्चे हैं और 15 से 24 साल के बच्चे हैं। तो हम इस चारों ग्राफ को मिला के ओवरऑल एक कंक्लूजन ये बना सकते हैं कि 6 से 14 साल में और उसके बाद 15 से 24 साल में बच्चों में जो आजकल के टाइम के हैं, उसमें कहीं ना कहीं महिला का जो साक्षरता दर है वो कहीं ना कहीं पुरुष के, मतलब लड़कियों का साक्षरता दर कहीं ना कहीं लड़कों के बराबर आ रहा है। और ये सब इसी वजह से हुआ है क्योंकि जो गवर्नमेंट की, सरकार की इतनी सारी सेवाएं हैं जो आज भी हर दूसरे दिन तीसरे दिन बनती आ रही हैं, निकलती आ रही हैं, लागू होती आ रही हैं, जिसका लोग फायदा उठाते हैं, और जिसकी वजह से हम यही देख रहे हैं कि 30 साल पहले कितना फर्क था और 30 साल बाद इन्हीं सेवाओं का लाभ उठा के, इन्हीं सेवाओं को अपना के कैसे फीमेल लिटरेसी रेट ऊपर पहुंचा है। तो इंडिया एज ऑफ नाउ इज फार मोर लिटरेट देन इट वॉज 30 ईयर्स अगो। द न्यू जनरेशन ऑफ इंडियन किड्स हैव अ हाई लिटरेसी रेट विद पैरिटी बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। जो मैंने अभी कहा वो यही है कि आजकल के जमाने में लड़कियां लड़कों के एजुकेशन लेवल पे, लड़कियां लड़कों के कहीं ना कहीं बहुत बराबर आ रही हैं, और ऐसी अगर उन्हें सरकारी सेवाएं मिलती गई, सरकारी स्कीम्स उनके लिए बनती गई, तो कहीं ना कहीं वो उनके बराबर भी आ जाएंगी। India is therefore on track to achieve universal literacy for youth by 2030. ऐसा स्टडी हुई है, ऐसा कहा गया है कि 2030 तक जो अभी ये बचा कुचा डिफरेंस है, बचा कुचा फर्क है फीमेल लिटरेसी रेट में महिला और पुरुष का, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक 80% तक बढ़ जाएगा, और ज्यादा साल जब बढ़ते जाएंगे तो वो और पूरी तरह महिला महिला का जो लिटरेसी रेट है वो कहीं ना कहीं पुरुष के लिटरेसी रेट यानी पुरुष के साक्षरता दर के बराबर आ जाएगा। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर नवाज, आपने फीमेल लिटरेसी इन इंडिया के विषय में बहुत अच्छे से बताया, और ये जो डिफरेंशिएट था ये सरकार की जो पॉलिसीज है उनकी वजह से कम होता नजर आ रहा है, और वो समय दूर नहीं है कि जब इक्वली ये हो जाएगा। आपने जानकारी दी, और निश्चय ही हमारी छात्राएं जो इस चीज को सुन रही होंगी, जिन्होंने ये व्याख्यान सुना है, वो निश्चय ही योजनाओं का, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएंगी और उसे समाज में उसका प्रचार प्रसार करेंगे, और निश्चय ही जागरूक होंगे। आपका
महाविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।